बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और एक नई वीडियो और व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बगैर देर किए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जी टन बाहर सट रहे हैं क्योंकि इतने ट्राली स्टॉन लगे ने मिट्टी दी, तो फिर बाकी के रोड़े वगैरह से जोड़े वो भी बाहर कट दते हैं। पहले तो फ्रंट से लवावे ट्रालियाँ, फिर थोड़ी जगह बन जाएगी, फिर जड़न अंदर कमरे भर लाँगे। इतने जो इटा पे क्योंकि ट्राली ने मुड़ना है और इतने भी मिट्टी आनी, तो असं सोचा कि बाहर जो सुट देने ट्रैक्टर ने रस्ता बनाने ताकि जो ट्राली मिट्टी वाली वो आसानी इतने अंदर आ जाए। तो मिट्टी अज जो ना स्टाल लें क्योंकि मिट्टी स्टाल की वजह तो ही जो मिस्त्री नहीं लाए सी। डैम्प तक अगर बराबर मिट्टी आ जाएगी ना कमर तो फिर इतों जो ना कमर दीवार शुरू करा। इटा का मसला से इटा बाहर कर दी थी। भाई और जो ना ट्रैक्टर ने रस्ता बना लगे ने ताकि आसानी इतने ट्रालियाँ जो पहले इतने फ्रंट तो लवा लाँगे, फिर उस तो बाद जो अगर इतने फ्रंट जो हो मिट्टी उत्ते फिर ट्राली चाड़ के कमरे बर्थी पवा लाँगे। क्योंकि नाल सड़क बनी मार्केट दी और सामने रोड है, यह सड़क तो और उस रोड तो फिर उच्ची होगी नहीं तो फिर ही जो ना पानी आसानी ना निकलेगा। हाँ जी जी, तकरीबन जड़ा ना 10-12 ट्रालियाँ स्टाल ही ने। ते ट्रैक्टर वाले भाई जड़े ना हूँ इधर रैंप बनाएंगे, तो इतने रैंप बन जाएगा सामने कमर के, तो फिर जो रैंप है ना उन्हें उत्ते ट्राली फिर चढ़ेगी बैक करके, तो कमर के जो बर्ती मुकम्मल करांगे। कमरे दो जड़े ने मुकम्मल अज करने ने, बाकी सेन वगैरह जो उनकी मिट्टी पूरी करने है। उस तो बाद फिर जो दोबारा काम स्टार्ट करांगे, तो फिर जो दीवारां खड़ियां जो हो गई बाकी जी जगह रह गई उनके बाद फिर दोबारा जो मिट्टी की बर्ती पा लाँगे। हाँ जी भाई, जो ट्रैक्टर की मदद ना रैंप बना रहे हैं, मिट्टी जी पदरी कर रहे हैं ताकि कमर के फिर जो मिट्टी आसानी से सट्टी जाएगी। हाँ जी, सामने रैंप जोड़ा ना बन गया, तो हम कमरे के मिट्टी सट रहे हैं काफ़ी जोड़े ना, तकरीबन 25 ट्रालियाँ हो गई ने मिट्टी दी। तो हमें मैं कमरे जोड़े ना मुकम्मल करा लिए, बाद फिर जी बाकी मिट्टी बाहर स्टाल आएंगे।